Assalamualaikum student, आज जो हमारा subject है वो है equipment का. तो equipment में आज हमने chapter number 4 start करना है. तो उसका जो पहला topic है operating principle of microwave oven और उसका जो दूसरा topic है वो है block diagram of microwave oven. सबसे पहले देखते हैं कि operating principle of microwave oven क्या चीज़ है. तो microwave oven जो है home appliances है जो आपके घरेलू अशिया को गर्म करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसके जरिए ये एक होम अप्लायंसेस डिवाइसेस है. इसको हम खाना वगैरह गर्म करने के लिए या कोई ऐसी चीज जो कम टाइमिंग के अंदर हम इसको गर्म कर सकते हैं विदाउट एनी किसी यानी जो आम घर में इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस होती हैं जो हम उसके अंदर रख कर इसको इस्तेमाल करते हैं. तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ये यानी उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है हमने कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आया इस्तेमाल की जाती हैं और उसके अंदर जिसकी वजह से ये आपके कुकिंग फूड के लिए इसको इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सबसे पहले देखिए उसकी मेन चीज़ें कौन सी हैं जो हम उसको सबसे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में लेकर आते हैं. पहला है उसका एचटी वोल्टेज यानी उसके अंदर जो एक हाई वोल्टेजेस ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो क्या करते हैं वो हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है. ठीक हो गया. उसके अंदर जो दूसरी डिवाइसेस है वो है मैग्नीटॉन माइक्रोवेव अंदर के अंदर मैग्नीटॉन ट्यूब है. ठीक है. उसके अंदर जो एक मैग्नीटॉन लगा होता है उससे क्या होता है वही उसकी एक कैविटीज है उस कैविटीज के अंदर आपका खाना गर्म करता है जिसमें से हम कहते हैं माइक्रोवेव ओवन. अब उसमें से क्या निकलती है एक रेडिएशन निकलती है. वो रेडिएशन कौन सी होती है वो माइक्रोवेव होती है. ठीक है. जो हमें नजर नहीं आती है. ठीक है. तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये माइक्रोवेव ओवन कितनी फ्रीक्वेंसी पर हम ऑपरेट होते हैं. तो हम ये कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2450 मेगाहर्ट्ज़ यानी कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो 24 यानी 2450 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है. समझ आ गई है. उसके बाद क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी को हमने अपने आप को उससे बचाना होता है. तो क्या करते हैं तो इसलिए माइक्रोवेव ओवन का जो डोर का सिस्टम होता है वो उसके अंदर ही माइक्रोवेव होती है ताकि वो बाहर ना आए. ठीक है भाई. अब उसके अंदर बाकी चीजें बहुत ऐसी होती हैं जो आपको इस्तेमाल किए जाती है. बाकी उसके अंदर आ जाते हैं एक आ जाता है आपका डायोड पावर डायोड उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा होता है. उसके बाद आ जाते हैं एक कैपेसिटर है. ठीक है. वो भी हाई वोल्टेजेस कैपेसिटर होता है उसी लिहाज से वो और ट्रांसफार्मर जो है उन दोनों का आपस में इंटरलिंक कहा जाता है. ठीक है. अब इसके सामने जो हमने बनाया हुआ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन उस पर हम थोड़ा नजर डालते हैं. सबसे पहले बात है उसके अंदर जिस तरीके से मैंने बताया कि हाँ एचटी ट्रांसफार्मर होता है उसको 230 वोल्ट आप उसको अप्लाई करते हैं. ठीक हो गया. उसमें हाई एचटी वोल्टेजेस जिसका आपको पता होना चाहिए कि वो वोल्टेजेस एचटी वोल्टेजेस होते हैं. उसके बाद आ जाए स्विच एलिमेंट कंट्रोल. स्विच एलिमेंट कंट्रोल होते हैं जिसके जरिए आप स्विच को इस्तेमाल करते हैं यानी वो स्विच आपका टाइम के लिहाज से उसका फंक्शन क्या है यानी आपने सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम के लिए उसको गर्म करना है. तो और उसके लिहाज से उसकी जो स्विचेस होती हैं वो तीन किस्म के स्विचेस होते हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं. उनको तीन किस्म के स्विच उसको पूरी असेंबली को कहा जाता है स्विच कंट्रोल एलिमेंट. उसके बाद आ जाता है अगला स्टेप जो उसकी ट्रांसफार्मर से जाता है वो मैग्नीट्यूड है जिसको मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड होती है. उससे क्या है वही 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर चल रहा होता है. उसके बाद अगला सर्किट आ जाए तो वो है माइक्रोवेव गाइड. जो माइक्रोवेव गाइड जो है वो जाकर आपकी जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो फैलती है वही होती है माइक्रोवेव गाइड होती है. ठीक है. उसके बाद आ जाए स्विच एलिमेंट से स्विच एलिमेंट के बाद आ जाते हैं ट्रिगर सर्किट. अब ट्रिगर सर्किट वो होता है जिसके जरिए आपका मैनुअली तौर पर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप उसको टच सिस्टम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो आपका कहलाता है ट्रिगर सर्किट. उसके बाद आप आ जाए तो सिस्टम कंट्रोल. अब सिस्टम कंट्रोल में जब आप आएंगे तो सिस्टम कंट्रोल में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा सिस्टम आपको इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं. मतलब बार बार ऐसा होता है कि आपने कोई मीट वगैरह गर्म करना है कोई आपने एग्स को बॉइल करना है इसी तरीके से वाटर को बॉइलिंग करना है तो ये तो सारे काम है नहीं टी को बॉइल करना है आपने तो ये सारी की सारी चीजें आपके सिस्टम के साथ होती है. उसके बाद आपका डिस्प्ले आ जाता है. डिस्प्ले आएगा डिस्प्ले के साथ आपका टाइम सर्किट आएगा. अब जो जो चीज आपका जितना टाइम लगा हुआ होगा वो आपको डिस्प्ले कर रहा होगा. अब देखिए एक इंटरलॉक है प्रोटेक्शन सर्किट है. अब मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया इंटरलॉक सिस्टम है वो स्विच इसमें मैंने आपको बताया था कि स्विच एलिमेंट सर्किट
कुछ एलिमेंट सर्कल्स के अंदर यही किस्म के स्विचेस होते हैं जो डोर को ला करते हैं, सर्कल्स को ओपन करते हैं, सर्कल को क्लोज करते हैं, समझ आ रही है। उसी के अंदर स्विच सर्कल्स भी होते हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या है, इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सर्कल्स। अब आपका जो डोर है वो लॉक नहीं होगा तो वो आपका लॉक जो है वो नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन होगा, ठीक है। इसका मतलब है जब आपका डोर बंद होगा तो तब आपका क्या होगा, सिस्टम कंट्रोल काम करेगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। उसी के बाद यही चीज बिगड़ सकता है स्विच एलिमेंट और फिर वही ट्रांसफार्मर, ठीक हो गया। और इसी के साथ जब आपको आप इंटरलॉक के जरिए काम करेंगे तो वही सिस्टम जो आपका कंट्रोल पैनल होता है उसमें सारा का सारा सिस्टम होता है, मैनुअली भी होता है और टच भी होता है, ठीक हो गया। उसी लिहाज से जो जो आप सिस्टम करते जाते हैं वही आपको डिस्प्ले आपको नजर आता रहता है, ठीक है। यही आपके देखिए वेव पैन जा रही है आपके कहां से, वो आपका जो माइक्रोवेव ओवन है, जो आपके सिस्टम रखी हुई है, जो भी चीज आप बॉइल करें गर्म करें, ये आपको देखिए कुकिंग कैविटीज, ये सारी की सारी इसके अंदर कैविटीज है, जो आप चीज जो चीज आप खाना बना रहे हैं पका रहे हैं जो भी चीज है। उसके बाद आ जाए ओवर हीट सेंसर, यानी अब ऐसा होता है कि आपने टाइम को ज्यादा लगा दिया, 5 मिनट 7 मिनट लगा दिया, लेकिन वो जो चीज आप गर्म कर रहे हैं वो इतना गर्म हो गया है कि हो सकता है कि वो आपकी इस जो भी चीज गर्म कर रहे हैं उसको जला दे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इस सेंसर के अंदर ऐसा सेंसर लगा हुआ होता है उस हीट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। वो इतना गर्म हो जाता है तो वो क्या कहता है, इसको ऑटोमेटिकली इसी उसको क्या देता है, उस हीट के लिहाज से उसका अब उसमें थर्मोकपल लग से होते हुए होती है, ठीक है। उस थर्मोकपल के जरिए उसको हीट सेंसर को सेंस करना होता है और उसको क्या कर देता है, वहां पर उसको इंटरलॉक सिस्टम से उसको क्या कर देता है, ओपन कर देता है। लेकिन आपका जो टाइम है वो आपका टाइम डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या होता है, वो इतना गर्म हो जाता है जो आपने 3 मिनट 5 मिनट का सिस्टम लगाया हुआ होता है तो वो उससे ज्यादा गर्म हो जाए टाइम तो भी, लेकिन वो गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपका कोई ऐसी मैग्नेटोन होती है, यानी जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं जिसमें आपके मैग्नेटोन लगे होते हैं, वो आपके उसमें जो अच्छी किस्म के जो होते हैं माइक्रोवेव ओवन उसके अंदर इस तरह के सेंसर लगे हुए होते हैं, बाद में नहीं होते, क्योंकि बाद में नहीं होती, वो इस वजह से आपका जो सिस्टम जो है उसी सिस्टम को देख रहे कर रहे। उसके बाद टाइमर सर्किट और हीट कंट्रोल सर्किट से, तो ये था आपका माइक्रोवेव ओवन का। तो आपने मैंने आपको नोट्स आपको दिए हुए हैं, तो लिहाजा आपने इस चैप्टर को देखना भी है और उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के लिए इसको यानी हम क्या कर सकते हैं उसी के अंदर, यानी इसका पूरा आपको कंप्लीट नोट्स के अंदर उसको पढ़े और उसके अंदर जो चीज़ आपको नहीं आती तो वो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर लिंक कर सकते हैं, भेज सकते हैं कि सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम आपको उसका आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको नोट्स से पढ़ना है और इसके बाद इसके ब्लॉक डायग्राम को देख लें, जो जो चीज आपको समझ आएगी इंशाल्लाह नोट्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा हम इसकी फीचर ऑफ माइक्रोवेव ओवन पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।